हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कर एगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, जो स्क्रीन पे जो डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं, ये भी एक रिक्वेस्ट का वीडियो है। तो इस डिज़ाइन में फ्रेंड देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसमें दिखाने का कुछ भी नहीं है। प्रिंसेस कट मैंने बहुत बार दिखा दे चुका हूँ, सिर्फ इसमें दिखाना है कॉलर। तो इसे शाल कॉलर हम लोग बोलते हैं, और जैसे कि इसे बहुत अलग अलग तरीका से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्रंट ओपन है वो एक तरीका है, अगर बैक ओपन हो तो भी कर सकते हैं। देखिए, हम दूसरी ड्रेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ ब्लाउज से रिलेटेड ही मैं बोल रहा हूँ। तो इसे करने के लिए प्रिंसेस कट ऑलरेडी हमारे पास है, अगर किसी के पास प्रिंसेस कट ना हो तो प्रिंसेस कट ब्लाउज पोशाक पर लिखिए, वो वीडियो आ जाएगा। तो सबसे पहले उसे सीख लीजिए, और उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉलर से अलग है। तो देखिए, ये है हमारे पास एक जो हाईनेक वाला है, और इसे करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हाईनेक वाला है। और जो लोग नया पैटर्न कट करेंगे तो आप लोगों के लिए हाफ अप शोल्डर प्लस हाफ इंच का फॉर्मूला रहेगा। तो हमारे पास ऑलरेडी है ये एक जैसे कि फ्रंट डिप एक हाईनेक वाला पैटर्न है। तो देखिए, इसे बैक तो कुछ भी नहीं चेंज करना है, सिर्फ फ्रंट में चेंज करना है, और ये पार्ट भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को किस तरीके से कौन से पार्ट को चेंज करना है। देखिए, सिर्फ हमें ये पार्ट को चेंज करनी है, ज़्यादा चेंज नहीं करना है। हम फ्रंट ओपन कर रहे हैं तो इसके लिए इस जगह में हमारा सब कुछ है। और इसके बाद देखिए, सिंपल सा एक चेंज करना है इस जगह में, और कुछ नहीं फ्रेंड। ठीक है, सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है इसे ऐसे कर देना है बस, और कुछ चेंज नहीं है। अब कभी कभी आप लोग क्या कर सकते हो, फिर इसे थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा, मगर इसमें ज्यादा चेंज नहीं है, और कोई पार्ट इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए हमारा ये बैक पार्ट रहा, और ये चेंजिंग रहा। और जैसे कि इस जगह में आप लोग, जैसे मैंने बोला है फ्रेंड, इस जगह में ये हमारा सेल का पैटर्न है, तो इसमें हमारा इस तरह है। तो इस तरह आप लोग करेंगे तो फ्रंट में थोड़ा सा ऊंचा की ओर होगा, आप लोग अगर सीधा करेंगे तो वो फ्रंट में सीधे की ओर उसी तरह दिखेगा। तो ये आप छोटा मोटा चेंजिंग आप लोग कर सकते हो, मगर फ्रंट में जो करना है जैसे कि मैंने दिखा आप लोग एकदम सीधा, अदरवाइज थोड़ा सा कर्व, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ जो दिखाना है इसमें, जो कॉलर तैयार करना है, वही इस वीडियो का मेन मकसद है। तो चलिए हम एक कॉलर दिखा दें किस तरीका से हम लोग करते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो बैक पार्ट है, और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, प्रिंसेस कट का फ्रंट ओपन है इसका, और इसके एक मेजरमेंट चाहिए। और मेजरमेंट देखिए हम लोग किस तरीके से लेंगे, और इस जगह में फ्रेंड हमारा जो बुक पट्टी होगा फ्रेंड, तो इसमें जैसे कि आप बहुत अलग अलग तरीका यूज़ कर सकते हो। इसमें आप लोग जैसे कि जीपर वगैरह लगा सकते हो, इसमें हुक लगा सकते हो, इसमें आप लोग बटन लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि हुक लगाएंगे तो उसको ओवरलैपिंग होगा, जैकेट का अगर यानी कि जिपर लगाएंगे तो उसमें दोनों तरफ सीधा रहेगा इसी तरह, ठीक है फ्रेंड, इसी तरह इक्वल रहेगा। तो कॉलर का बहुत सारा पॉइंट होता है, मैं बाद में आप लोगों को दिखा दूंगा। कॉलर काटने के लिए बहुत अलग अलग जानकारी होना चाहिए, जैसे कि हम लोग जैसे कि नॉट्स कॉलर होता है ना, जो कोर्ट में हमेशा यूज होता है। तो देखिए, कॉलर का इसी तरह एक जैसे कि इस टाइप का कॉलर में होता है, और मानिए जैसे कि ये हमारा एंड है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जैसे उठते हैं, तो ये दोनों जो पॉइंट है ना, ये एकदम इक्वल होना चाहिए। जैसे कि आप ओवरलैपिंग इस तरह का कॉलर आप लोग ओवरलैपिंग करेंगे, बेसिकली ये से ये सब चीज़ फॉलो करते हैं हम, जैसे कि नॉट्स कॉलर होता है ना, उस कॉलर में हम लोग ये अलग अलग फॉलो करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, मगर इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो सिर्फ मैं बोलना चाहता हूँ ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रहे, जैसे कि हम इसके ऊपर जब शाल का जो कॉलर लगा रहे हैं, दोनों पार्ट इसी तरह इक्वल, आप लोग ओवरलैपिंग करें मगर छोटा वाला ना हो, ये ध्यान में रहे आप लोगों को बस।
और कुछ नहीं, तो सबसे पहले इसका एक मेजरमेंट चाहिए, कितना दूर हमें चाहिए मेजरमेंट। देखिए ये जब मेजरमेंट होगा फ्रेंड, और इस जगह में भी अलग अलग तरीका आप लोग यूज़ कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि देखिए फ्रेंड, अगर सिखाना जाओ तो कुछ बात ऐसे होता है, अगर ना बोलो तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ना, तो इसे हम इस तरीका से भी कर सकते हैं, इतना सा छोड़ के, और उसके बाद हम चाहते हैं चलो इस जगह से हमारा जो कॉलर वो स्टार्ट होगा इसी तरह, यानी कि जो शाल कॉलर होगा स्टार्ट होगा, ठीक है, दिख रहा है फ्रेंड। तो दो जगह छोड़ दिया, और इस जगह में मानिए हमारा जीपर है, ठीक है। तो इसी तरह से इस जगह से हमारा जो कॉलर वगैरह है वो सब इस जगह से होगा, कर सकते हो, ये भी एक अलग स्टाइल है, आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हम इस जगह से जैसे एंड होगा उसी से करेंगे, और ये अगर ओवरलैपिंग हो तो भी हम इस जगह से हम करना चाहते हैं, इस जगह से ऐसा होगा, और इस जगह से इसके नीचे आप लोग देना चाहते हैं, इस जगह से इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। जो मैं बोलना चाहता हूँ इस तरीका से नहीं होना चाहिए, जो भी कुछ करे आप लोगों को ये जो दो पॉइंट ओवरलैपिंग होगा जैसे मैंने अभी दिखाया, ये आप लोगों को ध्यान में रहा है, जो दोनों कॉलर इसी तरह होना चाहिए, आप इधर का एंड पॉइंट और इधर का एंड पॉइंट ओवरलैपिंग इसी तरह ही करना है, अदरवाइज ऊपर थोड़ा सा ओपन रहे तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ, और ये देखिए ये जो इसमें जो दिखाया है अब ध्यान से देखिए, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें ओवरलैपिंग है मगर ऊपर की ओर एकदम सही है, ठीक है, इसी तरह ही करना है। ये एक रिक्वेस्ट का वीडियो है, तो हमारा जैसा है। तो सबसे पहले हम आप लोग चाहे तो इस जगह में प्लाकेट भी आप लोग कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है, प्लाकेट से भी आप लोग कर सकते हो। तो हम जितना है उसी तरह एक मेजरमेंट ले लेंगे, मानी इस जगह में जैसे कि हमारा बुक पट्टी हो जाएगा तब ये पार्ट थोड़ा सा इस तरह आएगा, और उसके बाद हम यहाँ से इसे हम फिनिश कर सकते हैं, कॉलर को पकड़ सकते हैं, इससे थोड़ा सा ओवरलैपिंग हम बढ़ा देंगे, और ऊपर से हम सीम्स छोड़ देंगे, तो 6.25 दोनों में से 12.5 होगा, और ये है बैक, बैक दोनों तरफ मिलाकर 5 होगा, तो 12.5 इंच हमारा पूरा कॉलर का लेंथ चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो कॉलर का लेंथ है, और फिर हमारा जो 17.5 है जो कॉलर का मेजरमेंट, तो उससे हम इसे क्या करेंगे, 17 चलिए मैंने मान लेता हूँ ये 18 है, ठीक है, तो 17.5 है तो 18 है तो 9 होगा इस जगह में, तो 9 से हम इसी तरह मार्क करेंगे, ऐसे करके एक मार्क करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ये जो कॉलर जो हाइट होता है उसे हम 5 इंच 5.5 इंच अपने हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, मगर मैंने 5.5 ले रहा हूँ, और उसके बाद आप लोग इसी तरह ड्रॉ करेंगे और इसी तरह ही आप लोग करेंगे, ठीक है फिर। और आप चाहते हैं जैसे कि इसे इसी तरह सीधा भी बहुत लोग करते हैं, कर सकते हो, मगर वो अलग टाइप होता है, मगर मैं इसे करना चाहता हूँ इसी तरीका से, ठीक है, ये वाला हिस्सा ऐसे करना है, ठीक है। और ये जो मैंने कट किया है ये बकरम है, ओके, ये बकरम है क्योंकि हमें जो लगाना है जो कपड़ा हम यूज करेंगे, चलिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। जो मैंने कट किया है बकरम है, और इसके बाद जो कट कर रहा हूँ ये कपड़ा इसी तरह करना है, तो मैंने सिंपल से ऐसे ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और जस्ट ये रिक्वेस्ट का वीडियो है, कोई मैं फाइनल प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैंने सिंपल सा ये बकरम, मानिए ये कागज है, ठीक है, तो इसलिए मैंने कागज की तरह ही ये दिखा रहा हूँ, मगर ये आप लोगों को बकरम देनी है इस जगह में,
और जिस तरीका से मैं दे रहा हूँ, मैंने एक जैसे कि दो बकरम आप लोगों को चाहिए दो पार्ट में, ठीक है, दो बकरम दो पार्ट में चाहिए। तो चलिए अब मैं डायरेक्टली मशीन में दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड ये देखिए, मैंने ये इसी तरह एक ब्लाउज को तैयार करके पहले से ही रखा हूँ, और ताकि हमारा यानी कि वक्त ज़ाया ना हो, बहुत जल्दी ये वीडियो हो जाए और वीडियो बहुत बड़ा ना हो। तो देखिए, सबसे पहले ये तो ब्लाउज के हिसाब से मैंने किया है। देखिए, एक में जैसे कि ब्लाउज में घाट पट्टी होता है ना, उसी तरह तो क्या होता है, जैसे कि इस वाला जो पॉइंट है तो उसमें हमारा दोनों तरफ एक ही चाहिए, तो इसमें देखिए बढ़ गया है, ठीक है। और इसमें देखिए, ये तो अंदर की तरफ जाता है, ये देखिए ये अंदर की तरफ जाता है। तो देखिए हमें क्या करना है फ्रेंड, हमें किसी भी हाल में इसे शॉर्टिंग करना है, ठीक है। शॉर्टिंग किस तरीके से कर रहे हो, देखिए ये ऐसे है और इसे अंदर की तरफ देना है, और उसके बाद इसी तरह करना है इसे। ठीक है बहन, ये देखिए एकदम सीधा ही है, मगर हम लोग जैसे कि इसे हम लगाएंगे तो देखिए किस तरीके से आ रहा है, इसका इफेक्ट क्या आ रहा है देखिए। और ये आप लोगों को देखना है, ये अगर गलती से थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस जगह में। तो देखिए, हम लोग जब कॉलर लगाएंगे तो कॉलर को इसी तरह ही हम सीधा पकड़ के, ठीक है, इसी तरीके से ही हम लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड। देखिए आप लोग अगर इस तरीके से यहाँ से लगाएंगे तो क्या होगा, कॉलर ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ये वाला हिस्सा छोटा हो जाएगा। तो देखिए इस जगह में हम आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि एक टिप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले हम इस जगह में एक पोटी वगैरह लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पोटी लगाएंगे, और पुट्टी लगाने के बाद ये हिस्सा तो नीचे चले जाएगा और ये ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। ये ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए।